सुहाग रात यानी शादी की पहली रात, ये तीन गलतियां ना करें वरना बीवी गैर मर्दों से तल्लक बनाएगी। दोस्तों, दुनिया की तमाम औरतें मुख्तलिफ तबीयत और मजाज रखती हैं, लेकिन जिनसी ख्वाहिश तमाम औरतों में यकसा होती है, यानी जिनसी ख्वाहिश सब औरतों की एक ही तरह की होती है। एक रिसर्च से भी साबित है कि मर्द और औरत का एक दूसरे से हम बिस्तरी करना दोनों को लज्जत देता है। इससे मर्द को भी सुकून मिलता है और औरत को भी लज्जत महसूस होती है। लेकिन अगर कोई मर्द शादी की पहली रात यानी सुहाग रात को ये तीन गलतियां करता है तो औरत मर्द से नफरत करने लगती है और इनकी जिनसी ख्वाहिश भी पूरी नहीं होती। नंबर एक, टाइमिंग वाली गोली खाना। नाज़रीन, ज़्यादातर मर्द हजरात शादी की पहली रात को टाइमिंग वाली गोली का इस्तेमाल करते हैं। इसके इस्तेमाल की एक बड़ी वजह ये होती है कि अगर सुहाग रात को कोई मर्द अच्छी तरह सेक्स ना करे तो फिर बीवी इसको ना मर्द कहती है। लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। गोली का इस्तेमाल भी गलत है, क्योंकि गोली के इस्तेमाल से मर्द की टाइमिंग इतनी बढ़ जाती है कि लड़की बर्दाश्त नहीं कर पाती और औरत को मर्द से नफरत हो जाती है। नंबर दो, गंदी फिल्म वाले सीन पर परफॉर्म करना। सुहाग रात यानी शादी की पहली रात को गंदी फिल्मों वाले सीन पर परफॉर्म करने से गुरेज करें, क्योंकि हकीकत में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता जो फिल्मों में होता है। ये फिल्मों तो महीनों में बनाई जाती हैं, लेकिन अगर आप एक ही रात में नई नवेली दुल्हन के साथ ऐसा करते हैं तो यह फिर इसकी कुव्वत से बालातर होता है और इसको बहुत तकलीफ़ होती है, जिस पर वो अपने शोहर से बदज़न होकर इससे नफरत करने लगती है। नंबर तीन, लड़की की सील को चेक करना। बाज़ औक़ात कुछ मर्द ऐसे होते हैं जो अनाग की खातर लड़की को सिर्फ इसलिए तकलीफ़ देते हैं कि लड़की वर्जन है या नहीं, और इसके लिए वो तरह तरह के टोटकों का इस्तेमाल करते हैं। बाज़ औक़ात लड़की से ब्लीडिंग नहीं होती, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं होता कि लड़की ने कहीं पहले से किसी के साथ हमबिस्तरी की है। लिहाजा ब्लीडिंग ना आने की खातर लड़की को तकलीफ़ देना सरासर गलत है और ऐसी सूरत में लड़की मर्द से नफरत करने लगती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई YouTube चैनल। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।